गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, सल्यूशन लेक्चर नंबर 8 को तुम्हारा सब वेलकम करू छी। सो प्रीवियस क्लास में कौन पढ़ते एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिटेल्स ग्राफ भी चेक करते जदि भी के भी जेडा के आसला इवोल्योस्कोपिक कांस्टेंट गिवन नथिबो ताकु हमें केमे बाहर करबे को तांदी ट्रिक्स कहिथिली बा फार्मूला कहिथिली एलांग विथ किछ प्रॉब्लम ऑफ सॉल्व कर तने एई केस हमर कोन होउ छी सॉल्वेंट जेडा के होउ छी वोलेटाइल फ्वाई सॉल्यूट जोड़ा रहा हूँ जी नॉन वोलेटाइल का सॉलिड पार्टिकल्स हम ऐड करते हैं। फर्स्ट देखी चलते हैं रिलेटिव लेयरिंग इन वेपर प्रेशर केमिति नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रही कि केमिति गोटे सॉल्यूशन ऑफ वेपर प्रेशर से कमे जाए। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट चेक कर माने से केस रे जेतु वेपर प्रेशर कमी जाछ माने से वेपर करि परबे तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आमे एवापोरेट करिया पा भेपर को कन्वर्ट करने अधिक टेम्परेचर दरकार पड़े जहाद्वारा कि बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन बढ़िया देखिले कौन सॉल्यूशन आम कंपेयर करवल सॉल्यूशन प्रथम देखिले भेपर प्रेशर सॉल्यूशन कम आसला नेक्स्ट आसला बॉइलिंग पॉइंट भेपर प्रेशर कम आसला अधिक आसला एबे चेक करिया फ्रीजिंग पॉइंट कौन आगे आने जो टेम्परेचर लिक्विड फ्रीज हो सॉलिड स्टेट को कन्वर्ट हो वा जो टेम्परेचर रे और लिक्विड और वेपर प्रेशर सॉलिड और वेपर प्रेशर सहित समान हो फ्रीजिंग पॉइंट तो मन रखा द टेम्परेचर एट व्हिच ए लिक्विड स्टार्ट्स टू फ्रीज डायरेक्ट लिख देखा टेम्परेचर आट होइ लिक्विड फ्रीजेस लिक्विड को फ्रीज होउछ माने सॉलिड स्टेट को कन्वर्ट हो एंड बा और एक लिख परबा द टेम्परेचर एट होइच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू काय तो सॉलिड वेपर से तो इट बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड जो टेम्परेचर रे लिक्विड फ्रीज होउछ तो फ्रीजिंग पॉइंट कह परबा बा जो टेम्परेचर लिक्विड और वेपर प्रेशर कम हो सॉलिड और वेपर प्रेशर सहित समान हो फ्रीजिंग पॉइंट एंड जब कंबाइन कर सॉल्वेंट सहित सॉल्यूशन सॉल्वेंट कह सारी वोलेटाइल लिक्विड अच्छी वोलेटाइल सॉल्वेंट आम फ्रीज हम कि आम जो सॉल्यूट ऐड कले से नॉन वोलेटाइल जानते जो सॉल्यूशन फॉर्मेशन होता से कौन होता ए बी जो सॉल्यूट अच्छी सॉल्वेंट अच्छी नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल मिक्स हो फ्रीज हम सॉलिड स्टेट को कन्वर्ट होने से सॉल्यूशन में ऑलरेडी सॉलिड पार्टिकल्स किसी अच्छी जो सॉल्यूशन तैयारी होगा सॉल्यूट सॉल्वेंट मिक्स हो सॉल्यूशन तैयारी करदे ये सॉल्यूशन कौन अच्छी लिक्विड भी अच्छी सॉलिड भी अच्छी लिक्विड भी अच्छी सॉलिड भी अच्छी जो थे सॉलिड अच्छी सॉलिड हे कम टाइम लगे जेहेतु वेपर प्रेशर जो टेम्परेचर लिक्विड और वेपर प्रेशर कौन हो सॉलिड और वेपर प्रेशर सहित समान होने कौन कह फ्रीजिंग पॉइंट कहते कंपेयर करवा सॉल्वेंट और फ्रीजिंग पॉइंट एलंग विथ सॉल्यूशन और फ्रीजिंग पॉइंट कहार अधिक आस कम आस देख वोलेटाइल केवल लिक्विड अच्छी सॉल्वेंट कि सॉल्यूशन कौन अच्छी लिक्विड सहित सॉलिड पार्टिकल्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स किसी अच्छी नॉन वोलेटाइल मतलब सॉलिड स्टेट से ऑलरेडी अच्छी मतलब आउ कम टाइम टेम्परेचर लगे जहाँ से कहीं जी वेपर प्रेशर तार लिक्विड स्टेट सामान होने एक केस मन रखा जदि टी एफ नौ सॉल्यूशन वेपर प्रेशर को टी नॉट एफ कार वेपर प्रेशर ना सॉल्वेंट कहार कम आस सॉल्यूशन वेपर प्रेशर कौन आस सॉल्यूशन फ्रीजिंग पॉइंट कौन आस कम आस फ्रीजिंग पॉइंट कहार अधिक आस सॉल्वेंट सॉल्वेंट प्योर लिक्विड कि लिक्विड सहित सॉलिड पार्टिकल्स किसी अच्छा आम कौटी कन्वर्ट कर सॉलिड पार्टिकल्स को कन्वर्ट कर सॉल्यूशन जेहतु सॉलिड पार्टिकल्स अच्छा सो से बहुत कम टाइम नब जहाँ से फ्रीज हो सॉलिड स्टेट को कन्वर्ट हो जहाँद्वारा कि फ्रीजिंग पॉइंट कमी गला सॉल्यूशन प्योर लिक्विड अच्छे टेम्परेचर कमे गले धीरे धीरे कम अच्छे सॉलिड स्टेट को कन्वर्ट हम बुझिपाल सॉल्यूशन ऑलरेडी आउट कह वोलेटाइल सॉल्वेंट सहित नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉलिड पार्टिकल्स ऑलरेडी अच्छे जहाँ रहा केवल न वोलेटाइल सॉल्यूट को जोड़ा कि वोलेटाइल सॉल्वेंट को आम सॉलिड स्टेट को कन्वर्ट करदे ऑलरेडी ये जो बीटा को आम कह सॉलिड मैं यहाँ हूँ सॉल्यूट बी हूँ सॉलिड ए हूँ कौन लिक्विड
तने बी टा ऑलरेडी सॉलिड स्टेट रे अछि आ ए ए कोन रहले केवल लिक्विड स्टेट रहले ताको बहुत कम समय लागबो जहा दर कि बहुत कम टेंपरेचर लागबो जहा दर कि इजीली ये फ्रीज हे जी के सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इजीली फ्रीज हे किंतु सॉल्वेंट केस रे केवल प्योर सॉल्वेंट थिबारु आर फ्रीजिंग पॉइंट कोन बडी जी ता फ्रीजिंग पॉइंट कंपेयर करबा सॉल्यूशन अफ फ्रीजिंग पॉइंट व्हाइल सॉल्वेंट अफ फ्रीजिंग पॉइंट कार अधिक आसीबो सॉल्वेंट रो कॉन्सेप्ट फ्रीजिंग पॉइंट अधिक आसीबो रीजन को कहली जेहेतु एथि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आगुरु एक्जिस्ट अछि बुझ पला तन देखिबा एथि डी नॉट एफ को कहली फ्रीजिंग पॉइंट एफ लिख देली फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट टी एफ होच कोनो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हम न किबा सबोले वेपर प्रेशर कहार अधिक आसीबो प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर सबोले अधिक आसीबो सॉल्यूशन न वेपर प्रेशर अपे तनाके को सब को कांसेप्ट जान ले वेपर प्रेशर कोन जो टेम्परेचर रे उडे लिक्विड को होउची फ्रीज होउची बा सॉलिड स्टेट को कन्वर्ट हे जाउची तका हम कंपेयर करबा फ्रीजिंग एकदम हम वेपर प्रेशर टर्म ले जानिबा कना ग्राफ जो करबा हम वेपर प्रेशर सहित टेम्परेचर सो वेपर प्रेशर टर्म को जान ले जो टेम्परेचर रे उडे लिक्विड रो वेपर प्रेशर उडे सॉलिड रो वेपर प्रेशर तो समान हे जाउची सेम पॉइंट तक हम कंपेयर फ्रीजिंग पॉइंट पर आउ उडे सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एवं प्योर सॉल्वेंट भितरे कहार फ्रीजिंग पॉइंट सबटो अधिक आसीबो सॉल्वेंट ना सॉल्वेंट केवल प्योर लिक्विड अछि किंतु सॉल्यूशन ने ऑलरेडी किछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अछन ना सॉलिड पार्टिकल्स किछ अछन जहा दरे कि सेवनक फ्रीजिंग पॉइंट कोन जे कमी जेबो कार सॉल्यूशन कमी जेबो फाइल सॉल्वेंट कोन रहबो अधिक अधिक केरो एटा मेन कांसेप्ट एटा बुझले आ लिटिल चेक करबो तले डेल टी एफ एटा कि हम डिफ्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कोजन कौन करिया तने एठी सॉल्वेंट रो वेपर प्रेशर रो हम कौन करबा एठी सॉल्यूशन ऑफ वेपर प्रेशर सबट्रैक्ट कर दो सॉल्वेंट ऑफ वेपर प्रेशर रो सॉल्यूशन ऑफ वेपर प्रेशर का कौन कर दो सबट्रैक्ट कर दो जो के डेल टी एफ को हम कौन कहले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जोड़ा अधिक आछि तार अधिक हम कम सबट्रैक्ट कर देले जहां दर के हम पाइ गेले कोनटी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ओके जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए ओके देन हम जानि गेले कोन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जोटा के हम कहचोन डेल टी एफ रो फार्मूला हम कोन पाई गेले टी नॉट एफ माइनस टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन तना हम नॉर्मल जिमिति ग्राफ करिया था करबा टेंपरेचर वर्सेस वेपर प्रेशर टेंपरेचर को एक्स एक्सिस रे पर केल्विन ने नबा फाइल वेपर प्रेशर को वाई एक्सिस रे तना हम जान जों दी वेपर प्रेशर कहां अधिक आसीबो सॉल्वेंट के सॉल्वेंट रा वेपर प्रेशर कौन सा अधिक आसे सॉल्यूशन ना वेपर प्रेशर कम जेमे जान जों सॉल्यूशन ने कौन अछि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अछि तो मन रास्तो एटा कौन हमें जान जों सॉल्वेंट आ लिक्विड स्टेट अछि सॉल्यूशन ता भी पाखा पाखी लिक्विड स्टेट अछि किछि सॉलिड पार्टिकल्स अछि बा नॉन वोलेटाइल पार्टिकल्स किछि अछि त सॉल्वेंट रे लिक्विड अछि सॉल्यूशन भी कौन अछि लिक्विड अछि हमें कौन जानले डेफिनेशन कौन जानले जो टेम्परेचर रे लिक्विड रो वेपर प्रेशर का से तो समान हो सॉलिड रो वेपर प्रेशर से समान हो त जो टेम्परेचर रे लिक्विड रो वेपर प्रेशर को हबो सॉलिड रो वेपर प्रेशर से तो समान हबो त सेइ जो काम को करबा फिजिक पॉइंट करबा तने एटा होची सॉल्वेंट रो वेपर प्रेशर एटा होची सॉल्यूशन रो वेपर प्रेशर एटा माने कर दबा सॉलिड सॉल्वेंट रो वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट पर सॉल्वेंट नो जे सॉलिड पार्टिकल से थिबो तार वेपर प्रेशर एटा हम जान जदी सॉल्वेंट जो पॉइंट रे मीट करबो त सॉल्वेंट रो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन जो पॉइंट रे मीट करबो सेटा सॉल्यूशन रो फ्रीजिंग पॉइंट जेहेतु अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मन रख जो टेंपरेचर रे लिक्विड रे वेपर प्रेशर को होउची सॉलिड रे वेपर प्रेशर से तो समान होउची सेटा काम को कहले फ्रीजिंग पॉइंट कहले तने सॉल्वेंट रो वेपर प्रेशर अछि सॉल्यूशन रे वेपर प्रेशर अछि एटा होची को सॉलिड सॉल्वेंट रो वेपर प्रेशर ऑफ कारो सॉलिड सॉल्वेंट
तो जो पॉइंट रे सॉल्वेंट आकु मीट करबो त सॉल्वेंट ऑफ वेपर प्रेशर बट फ्रीजिंग पॉइंट पे परबा जो पॉइंट रे सॉल्यूशन ताकु मीट करबो त सॉल्यूशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पाइ जिबो तंते क्या मैच कर दोबा ए पॉइंट मीट करला देखो एटा होच कारो सॉल्वेंट रो टी नॉट ए फ्रा कॉन्स लाइक द सॉल्वेंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट असि वे सॉल्यूशन वे एक्सटेंड करबा सॉल्यूशन ना कौन सी है ला फ्रीजिंग पॉइंट ऐसी है तो देखिए कहाँ रहती क्या ऑब्वियसली देखी पाचो ने आगरे क्या अच्छी सॉल्वेंट रो फ्रीजिंग पॉइंट अच्छी वाइट तो पत्थर क्या अच्छे कि सॉल्यूशन ना फ्रीजिंग पॉइंट तो ये जो डिफरेंस टाइप का हमें कौन कोच जानती डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और डेल्टा एफ ऑलरेडी कोई सच देखो टी नॉट एफ होची कौन वेपर सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट फाइल टी एफ होची फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो पॉइंट मीट कला हम देख चेक कर ले कौन सी टेंपरेचर सहित तो वेपर प्रेशर ग्राफ ड्रा करले सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर अच्छी सॉल्यूशन और वेपर प्रेशर अच्छी एटा जो सॉलिड सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर ना अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें कौन जान जंती जो टेंपरेचर लिक्विड और वेपर प्रेशर को हम सॉलिड और वेपर प्रेशर से तो समान हो ताको हम फ्रीजिंग पॉइंट करे तो सो सॉल्वेंट को हम स्ट्रेच करबा सॉल्यूशन स्ट्रेस करले जो पॉइंट मीट कला सॉरी सॉल्वेंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पाई गले फाइल इट सॉल्वेंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पाई ताको डिफरेंस ता हम कोन कहले एथि डिफ्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जोटा हम कोजुन को डेल टी एफ हो जी को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ओके ग्राफ कंप्लीट ठीक चला जल्दी स्क्रीनशॉट नहीं जाओ ओके ठीक है सिमिलरली जेमिति एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट रे हमें पाइथले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी कोटु फ्रॉम ऑब्जर्वेशन बाय फ्रॉम एक्सपेरिमेंट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन वी गॉट टू नो दैट We got to know that depression in freezing point is directly depend upon molality. Molality small f. So molality formula हम जानते हैं तो अरे कौन जानी बात? Delta F directly proportional to number of moles of solute divided by mass of solvent. मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी तने डायरेक्टली देखो फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली कहां पर डिपेंड करछ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अब जो पार्टिकल्स बा जो प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर डिपेंड करिवो किंतु नेचर ऑफ सॉल्यूट ऊपर डिपेंड करिवो ने त को प्रॉपर्टी करबा कहबा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सो इट इज क्लियर दैट कोन जानि होले एथि इट इज क्लियर दैट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी is a colligative property mone kiba so it is clear that LTF is a colligative property nikle molality formula jani hole molality formula is number of moles of solute where mass of solvent to the dekhchu the number of part depression in freezing point ko chi directly depend ko chi kaha pare number of moles of solute ami anjanti to the solution of property but solution of property the number of moles of solute or number of particles of solute नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ आयंस किबा मोल फ्रैक्शन ऑफ डायरेक्टली डिपेंड करे ताक हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कोंती सो एउठ हम जानिया उपरले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल ऊपर डिपेंड करची किंतु नंबर ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट ऊपर डिपेंड करू नाही जेतु नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल ऊपर सॉल्यूट ऊपर डिपेंड कला सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कॉन्स्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ओके ठीक अछि ताले मोला एक फॉर्मूला पके देबा बे बा लिख देबा एथि डेल टी एफ प्रोपोर्शन उठले कांस्टेंट आसे हम जानती तने के एफ कांस्टेंट पाई गेले इनटू कोन पाईले मोला तने के एफ कॉमन रखिबो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट बा मोला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट लिख पर जा मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट बा त हम कोन कहि पाई बा जेडा कॉमन नेम जेडा की बेसी पॉपुलर नेम जेडा कोचंती क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट
ক্রাইওস্কোপিক কনস্ট্যান্ট এন্ড কেএফ যেটা কি মোলাল ডিপ্রেশন কনস্ট্যান্ট বা ক্রাইওস্কোপিক কনস্ট্যান্ট কমছি প্রবসার উঠা পাই গেল তাহলে ইউনিট চেক করিবা কার ক্রাইওস্কোপিক কনস্ট্যান্ট এর ইউনিট চেক করিবা এন্ড কেএফ ইজ ইকুয়াল টু ক্রাইওস্কোপিক কনস্ট্যান্ট ইজ ইকুয়াল টু আম কেতে পাই জিবা ডেল টিএফ ডিভাইড বাই কনস্ট্যান্ট মোলালিটি আমি জানি ডেল টি এফ মানে কে কেলভিন রহব ইউনিট টেম্পারেচার হচ্ছে ইউনিট কেলভিন এলং উইথ মোলস হচ্ছে বা মোলারিটি ফর্মুলা নম্বর অফ মোলস অফ সলিউড পর কেজি বা মোল পর কেজি কইপারি বা এপুর কাছে কই হইব কেজি পর মোল হইব কেজি পর মোল মানে ইউনিট অফ ক্রাইওস্কোপিক কনস্ট্যান্ট আমি কম পাই গেল এটি কেলভিন কেজি পর মোল বা কেলভিন কেজি মোল ইনভার্স হয়ে লিখতে পারি তো এই যে দেখো पूरा फॉर्मूला लिख दे जहां जहां यूनिट पुट कर दे डिवाइड कर दे इनटू मल्टीप्लाई कर दे दैट आई एम कॉम पाई गेले एटी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट रन कॉम पाई गेले यूनिट पाई गेले नेक्स्ट देखि डेफिनेशन का डेफिनेशन हम का जानिबा एटी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट डेफिनेशन जानिबा सिमिल जेमिति करथिले मोलालिटी को हम 1 नै जिबा मोलालिटी केते नै जिबा एटी 1 नै तने क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट The depression in freezing point counts when one mole of solute, one non-volatile heatable, one mole of solute is dissolved in 1000 gram of solvent. That's how molality definition I'm saying. And molality is equal to 1 agent, money number of moles be 1, solvent of weight is 1 kg by 1000 gram. The depression in freezing pressure crash will be constantly defined as. The depression in freezing point when one mole of solute bracket like a solute a constant at the non-volatile by solid state at the and when one mole of solute is dissolved in at a 1000 gram of solvent 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट क्राइस्कोपिक कांस्टेंट जेमे नॉर्मली पुल चेक करबा जेतो क्राइस्कोपिक कांस्टेंट गिवन नथिबो तार भी डिटेल्स हम लास्ट टू चेक करबा आगे प्रॉब्लम सॉल्व करबा पर फ्रॉम ऑब्जर्वेशन हम कम पाइले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होची डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी मोलालिटी माने कहां पर डिपेंड करची नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड ऊपर तन जेतु मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड ऊपर डिपेंड करला सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी कम करबो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड ऊपर डिपेंड कर आउ जो सॉल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी केवल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर डिपेंड करे तो हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एति के प्रूव करिया नेक्स्ट देखिले कांस्टेंट आसी गेला प्रोपोर्शनल उठले कांस्टेंट आसला से कांस्टेंट का हम कोन कहले मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बाद हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट पर तर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट रो हम यूनिट चेक कला कोन देखिले डेल टीएफ डिवाइडेड बाय कांस्टेंट मोलालिटी सो डेल्टी एफ वन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में टेंपरेचर एसआर यूनिट में केल्विन नहीं छबा केल्विन मोल पर केजी सो डिवाइड जे तो हेती मोलालिटी ऊपर पर कछ केजी पर मोल यूनिट चेक करले मोलालिटी बा सॉरी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट हमें डेफिनेशन से चेक करबा मोलालिटी का हमें यूनिट नहीं छबा यूनिट माने 1 मोल ऑफ सॉल्यूट कहू छी डिजॉल्व हो छी 1 केजी सॉल्वेंट रे मान देखले कोन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बाय क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज डिफाइंड आ द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट सॉलिड को स्टेट थिबो नॉन वोलेटाइल बा सॉलिड स्टेट थिबो इज डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट सो ता कम कम पेले थी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट नहीं जाओ फॉर्मूला कौन पाई गेले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज द कोनची प्रोडक्ट ऑफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इनटू मोलल एदो तने डेटा सेट दे डेल्टा एफ कोन केएफ कोन एम को लिख दे तने मोलालिटी फार्मूला हम को जानछन मोलालिटी फार्मूला होची नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट बा वेट ऑफ सॉल्वेंट लिख परबा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड माने कोन लिखिबा सॉलिड बी नै चंती सो गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट नंबर ऑफ मोल्स पाई गेले तो केजी अछि ताको को बॉडी कन्वर्ट कर देबा ग्राम को सो 1000 डिवाइडेड बाय को आसला थी मास ऑफ सॉल्वेंट बा वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखि परबा वेट ऑफ सॉल्वेंट पर मास ऑफ सॉल्वेंट ओके ठीक अछि
तन आडे पुट कर दबा पे तन डेल टी एफ तन मोलारिटी वैल्यू हम पुट कर दो एवं इक्वेशन ने तन कौन पाई जीबा डेल टी एफ इज इक्वल टू क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इनटू केते आसला डब्ल्यू बी बाय एम बी इनटू केते आसला 1000 बाय डब्ल्यू ए लास्ट मु सब डिटेल्स देखि देबी त हम दरकार कोन मॉलिक्युलर मास बाहर करबा मॉलिक्युलर मास ऑफ सॉल्यूट हम केते पाई जीबा इथि मॉलिक्युलर मास ऑफ सॉल्यूट हम केते पाई जीबा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बट आई लिख दो 1000 इनटू क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इनटू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय कौन सी जीवा थी डेल टी एफ इनटू कौन सी ला वेट ऑफ सॉल्वेंट बा मास ऑफ सॉल्वेंट ओके ठीक है अरे कौन जानी बाय थी डब्ल्यू ए एंड डब्ल्यू बी कौन वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट एम ए एंड एम बी कौन सी बात थी मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट यही फॉर्मूला पुट करके हमें आंसर इजीली बाहर कर दे पाएगा नॉर्मली एटा जा एटा से हमें कल मोलार एटा फॉर्मूला पुट कर दे कि हम कौन कर लेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट प्राइस हमारे पहुंचा रहे तो फट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्यूट हम बाहर कर दे पाएगा इजीली ओके बढ़िया मुंडरे पसु ना पसु नहीं ठीक ठाक जा असुविधा हो पचाइब है ओके तो लास्ट रही है कनसेप्ट जोटा जदि आमको डेल टी एफ गिभेन नाइस ये बोधे डेल टी एफ गिभेन नाम डेल टी एफ गिभेन डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट जोटा कि कौन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट जदि आमको गिभेन नमें कौन फर्मुला पुट करें जमी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट जोटा कि इवोलियोस्कोपिक कांस्टेंट जब गिभेन न हम को फार्मूला पुट करथले सिमिलरली यदि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट मिसिंग थिवो हम को फार्मूला यूज करबा ओके जल्दी स्क्रीनशॉट ने जाओ ओके ठीक अछि हम कोन जान चंती यदि इफ कोन दै छी के एफ इज नॉट गिवन माने क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कोन थिवटी गिवन नॉट गिवन मतलब तन फार्मूला मन रखिबा के एफ रो फार्मूला मन रखिबा एटी आर रियल गैस कांस्टेंट इनटू टी नॉट एफ रो होल स्क्वायर इनटू मोलार मास डिवाइडेड बाय 1000 इनटू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन 1000 इनटू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन तन आर हम जान जंती यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बा रियल गैस कांस्टेंट त कोई परिबा रियल गैस कांस्टेंट जार वैल्यूम कोई छच्ची 8.314 जूल लिख परिबा पर 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स लिख परिबा इटा जूल नेक्स्ट आछ को टी नॉट एफ कोनो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट आ ताकू सब बोल हम कोथे नबा केल्विन न कि तबे सेल्सियस नै कि लास्ट तो केल्विन तम कन्वर्ट कर देई पारि नेक्स्ट आउची डेल एच एफ फ्यूजन ना कहौची एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कौन मन रखा द एंथैल्पी चेंज व्हेन कौन हुए व्हेन वन मोल ऑफ कौन चेठी सॉलिड सॉलिड कन्वर्टेड टू लिक्विड फ्यूज हो सलिडटा कौन फ्यूज हो लिक्विड स्टेट को कन्वर्ट होने गोटे वन मोल ऑफ सॉल्यूट जितेबले लिक्विड भी कन्वर्ट हो से हम कौन कह एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जितकी एंथैल्पी चेंज है चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कह सहित कौन रिलेशन अच्छी यार लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन गोटे अच्छी तरह एल फ्यूजन लिखी दूसरी लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मान कौन मन रखा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आम कौन करते वन मोल लिक्विड को आम कौटी कन्वर्ट करते सॉलिड को कन्वर्ट कर को केस रेटा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन केस किंतु लैटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन ने कोन करबा 1 ग्राम ऑफ लिक्विड को हम कोन कन्वर्ट कोन गोडी कन्वर्ट करबा सॉलिड स्टेट को कन्वर्ट करबा मनैला ना मनैला लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आउ एटा होजी कोन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन द डिफरेंस कोन नको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ने मन रखिबा 1 मोल ऑफ लिक्विड कोडी कन्वर्ट होची सॉलिड को फाइल लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ने कहउची 1 ग्राम लिक्विड कोडी कन्वर्ट होची सॉलिड को कन्वर्ट डिफरेंस टा मन रख आ नेक्स्ट सेवन रखा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन सहित
लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन रिलेशन कौन इंटू मन रखा मोलार मास एंथाल्पी ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू मन रखा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इंटू मन रखा मोलार मास तो डायरेक्ट फॉर्मूला दे थियो बा डायरेक्ट डाटा दे थियो गेट पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर पूरा इजी आसी किछि प्रॉब्लम त हम सॉल्व करबी तर मन रखियो डिटेल सब एमिट छ लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन सहित एंथाल्पी ऑफ फ्यूजन रिलेशनशिप देखिले एटा फ्यूजन वेपराइजेशन कह देली फ्यूजन लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जते कम कहली फ्यूजन ऑफ एंथाल्पी ऑफ फ्यूजन मते डिफरेंस को आसला एंथाल्पी ऑफ फ्यूजन ने 1 मोल ऑफ लिक्विड कोडी कन्वर्ट हबो सॉलिड स्टेट को फाइ लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कह 1 ग्राम ऑफ लिक्विड कोडी कन्वर्ट हबो सॉलिड स्टेट को कन्वर्ट जल्दी आ स्क्रीनशॉट नि करे खाली प्रॉब्लम किछ करबा नाम क्लास ऑफ प्रॉब्लम हमें सॉल्व करिबा फर्स्ट क्वेश्चन कौन देख देखिबा व्हाट अमाउंट ऑफ इथाइल अल्कोहल C2H5OH ब्रैकेट कौन देखी अज्यूम टू बी नॉन वोलेटाइल माने से अल्कोहल को माने करछि ताउट नॉन वोलेटाइल माने करछि अज्यूम टू बी नॉन वोलेटाइल मस्ट बी डिजॉल्व must be dissolved in 1 kg water so that it freezes at -2 degree Celsius freezing point of water deichi फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर के देचे थी 0 डिग्री सेल्सियस अलोंग विद क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट वैल्यू के देचे 1.86 किलो ना केल्विन केजी पर केतासला मोल सब डाटा तो मांग दे दीछी देखो चेक कर मन को ओके हम बारे गोटी ही फार्मूला अछि हम जान छन कोन डेल टी एफ इज इक्वल टू क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इनटू मोलर एरन आगे हम डेल टी एफ वैल्यू चेक करबा डेल टी एफ कोन छि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कोन कहि सॉल्वेंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट माइनस करो सॉल्यूशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट फ्रेंड देखबा सॉल्वेंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट केते दै छि सॉल्यूशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट केते दै छि सॉल्वेंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट केते दिला कि वाटर अछि वाटर माने फ्रीजिंग पॉइंट केते दिला सॉल्वेंट ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस फाइ इन केजी सो दैट इट फ्रीजेस एट -2 डिग्री सेल्सियस तन टीएफ सॉल्यूशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के देला -2 डिग्री सेल्सियस तन डेल टीएफ भर कर दबा 0 माइनस ऑफ -2 इज इक्वल टू दैट 2 डिग्री सेल्सियस त केल्विन कन्वर्ट करे दरकार नहीं तर हम टेंपरेचर पचारी नहीं पचारछि व्हाट अमाउंट ऑफ इथाइल अल्कोहल पचारछि तन 2 डिग्री सेल्सियस कम पाइला डेल टीएफ फाइनली नेक्स्ट दरकार मोलालिटी मोलालिटी माने हम बाहर करिया कर ए इथाइल अल्कोहल कना अज्यूम टू बी नॉन वोलेटाइल आ जे नॉन वोलेटाइल रहिला त हम सॉल्यूट करबा तन मोलालिटी कम पाई गेले थी मोलालिटी होची नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फॉर्मूला मन रखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी इन कोसला केजी त नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रो त नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट किछ देई नै कर इथाइल अल्कोहल लो सो एक्स नै जीवा डिवाइड बाय मॉलिक्युलर मास इथाइल अल्कोहल केता आसीबो C2H5OH रो मॉलिक्युलर मास केता आसला 24 हाइड्रोजन 6 टा 6 ऑक्सीजन केता आसला 16 ऑक्सीजन केता आसला 16 सो केता आसको 46 आसिया त 46 पर केजी पापाई 1 लिखे रखने पर केजी बा 1 लिख दे परबा त मोलालिटी केता पाइगले x/46 पाइगले के एफ वैल्यू दे छि डेल टी एफ वैल्यू पाइगले 2 पाइगले के एफ वैल्यू होछि 1.86 के मोलालिटी वैल्यू केता आसी x/46 नंबर ऑफ मोल्स बाय गिवन वेट बट वेट केते पचाची बा व्हाट अमाउंट ऑफ इथाइल अल्कोहल होची एक्स ने इजन ऑलरेडी सो एक्स वैल्यू हम केते पाई जीबा एक्स इज इक्वल टू केते पाई जीबा टी 46 इनटू 2 डिवाइड बाय केता 1.86 केता आंसर सु चेक ओके
आसला 1.8692 92 divided by 16 पाखा की जो कि मानसर बते तुम सॉल्व रे भूल लग प्राय चेक करियो तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स बा वेट जहाँ सारा सब चेक करके लिख देव है 1.86 ठीक है तो हाँ केफ अवेल के अच्छे 1.86 186 नहीं चैप्टर देखो 1.86 पिछले हम जहाँ नहीं चलते अनुजाई हम कौन करवा सल्व करवा आंसर जहाँ वाली वो चेक कर ओके जल्दी आ स्क्रीनशॉट लिया सेकंड क्वेश्चन करवा सेकेंड क्वेश्चन संचित करीबा कौन दे ची क्वेश्चन टू 50 सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम दे दिला ऑफ इथाइल ग्लाइकोल कारो इथाइल ग्लाइकोल फॉर्मूला CH2 बॉन्ड OH इज डिजॉल्व Is dissolved in 50 gram water. कौन सा dissolve होगी? 50 gram water dissolve होगी. नेजी कौन? The freezing point of mixture. मान solution का freezing point कर दे देजी. Is -34°C. Is -34°C. If फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कौन देची प्योर वाटर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 0°C एंड क्रायोस्कोपी कांस्टेंट केएफ वैल्यू के देची 1.86 केल्विन केजी पर मोल फाइंड द डेंसिटी ऑफ इथाइल एथिलीन ग्लाइकोल find the density of ethylene glycol and density पाई आमु कौन दरकार हम जानते हैं कि density जो कौन है mass per volume तो volume दे दी थी mass पाने पूर्व फॉर्मूला जहाँ तले से रुझान कुछ पहला नहीं ना weight पहुँचा जी ethylene आई कर लो weight पाई गले हमें कौन पाई इसमें easily हम कौन कोले density पाई इसमें तो weight बाहर करें पहले हमें फॉर्मूला में कौन जानते हैं depression in freezing point is the product of cryoscopic constant and molarity ya to cryoscopic constant value achi jani jodi ame dei chi delta tf bahar kar daba kete asibo athi t not f minus tf pure water of freezing point kete dei chi 0°C kete dei chi 0° minus solution of freezing point kete dei chi -34 kete asla thi 34°C pahile kon thi depression in freezing point pahile kf ra value amku jana achi na molality is equal to kon paichiba number of moles of solute formula mana asto number of moles of solute divided by कौन सी वाली weight of solvent in kg बाम mass of solvent लिखते हैं इस अस्वरे मुझे weight लिखे weight of solvent in kg ना number of moles पे कौन दर्शाए given weight है molecular weight given weight किस दे नहीं हमको x नहीं गले molecular weight ethylene glycol molecular weight चेक कर दे कितना है CH2 हाइड्रोजन कार्बन दीटा हाइड्रोजन चट्टा हाइड्रोजन छोटा आएगा ऑक्सीजन दीटा आएगा तन कार्बन दीटा में देखिए बाटी CH2OH कार्बन दीटा आची 24 हाइड्रोजन दूसरी चार 30 प्लस ऑक्सीजन कितना आसली आटी दीटा आची 32 तने मास कितना आसली आटी 62 मास आसली है 62 मॉलिक्यूलर मास पाएगी 60 सॉल्वेंट इन केजी सॉल्वेंट कितने देखिए कितने 50 ग्राम ऑफ वाटर देखिए डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर तो 50 ग्राम को हम कोडी कन्वर्ट कर दबाए थी केजी कन्वर्ट कर दबा 50 ग्राम इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 1000 केजी कैंसिल आइ गला देला 5 by 100 माने तब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते वोल्टेज को कना ऊपर तले डिवाइड छ ऊपर वाले कोन मल्टीप्लाई हे जीवो तने केता आसीबो एटी 100x * केता आसीबो 5 एति छै 100x डिवाइड बाय केता आसला 62 * 5 तन डेल्टा टी एफ वैल्यू हम जान जंती केता आसला 34 इज इक्वल टू के एफ वैल्यू हम जानले 1.86 एंड मोलर आइटर वैल्यू केता पाइ गेले एठी 100x / 62 * 5 ठीक अछि 5 सेकंड लेके तासबो 5 सेकंड लेके तासला कोडी
पांच काटले कितना आसला 20 एक्स बाहर करदे एक्स इज इक्वल टू के आस 62 × 34 डिवाइड बाय कितना आस 1.86 बाय 18.6 करदे इंटु के 2 20 को भांगी दे कौन 2 × 10 करदे 10 नहीं पॉइंट गोटे आगे नहीं 18.6 चार भैलू तुम बाहर चेक कर कैसे बाहर तो निजे चेक कर खाली फेल चेक कर1.1332 ग्राम पर सीसी पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द पाइल एंड कोनो फन डेंसिटी ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल इज इक्वल टू कितना 1.1332 ग्राम पर सीसी ओके एटा हाउस नॉर्मली एडा से प्रॉब्लम आसीबो हमें किछ ट्राई करबा एनआईटी और आईटी क्वेश्चन की सॉल्व करिए को प्रीवियस क्लास रे पर नॉर्मली नेक्स्ट हम केतो देखिया उठे पूरा प्रॉब्लम जति सब हाई क्लैरिटी प्रॉब्लम जति सब चांस अछि प्रोबेबल अछि परीक्षा पढिबार बोर्ड हो कि तमरो एंट्रेंस एग्जाम पर हायर लेवल हो हम से ट्राई करबा सो एति जें टिके फंडा क्लियर हे गेला हम इजीली कम करबे सॉल्व करि परिया अपन हम पढिया पुनी ऑस्मोटिक प्रेशर रा बहुत इंपोर्टेंट सेटा पढिसला परे हम डिटेल जति सब एंट्रेंस क्वेश्चन गुटी क्लास से हम नेबा पर को जहा 10 15 पढी जति हो हम जति सॉल्व करबा ओके टिल देन गुड बाय गॉड ब्लेस यू